सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन एक बार महाभैषज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध शांत चित्त मुद्रा में विराजमान थे, तभी बाशेठ नाम का एक अल्पजन तथागत भगवान बुद्ध के पास आता है और आकर के हाथ जोड़ करके विनती करता है कि तथागत, मैं पूरे जम्बूद्वीप में भटक रहा हूँ, मैं पूरे आर्यावर्त में भटक रहा हूँ, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तथागत, अगर आप भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो मैं ये समझूं कि हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं रहा। तभी महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि बाशेठ बोल, क्या तेरी समस्या है? तो बाशेठ ने कहा कि मेरी समस्या एक ही है, मुझे किसी भी कीमत पर मृत्यु पसंद नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मुझे कोई औषधि हो तो दे दीजिए, कोई मंत्र हो तो बता दीजिए, कोई तरीका हो तो सुझा दीजिए, मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु पसंद नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध ने उसके प्रश्न को सुना और कहा कि जिस प्रश्न को तू कठिन बता रहा है और बड़ा बता रहा है, वो मेरे लिए बहुत छोटा प्रश्न है, सुन मैं तुझे समझाता हूं। बाशेठ, तेरे प्रश्न का उत्तर, तेरी शंका का समाधान तुझे मिल जाएगा। तभी तथागत भगवान बुद्ध ने बाशेठ से कहा कि जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है। महाभैषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध बोले, बाशेठ, जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, उस व्यक्ति को दुनिया में मरने से कोई बचा नहीं सकता। और जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, दर्शन के लिए और औरों के लिए जीता है, उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता है। तेरी इच्छा है बाशेठ, तू अल्पजन है, तू ब्राह्मण है, तेरी इच्छा है, अब तू चाहे तो मर जाना और चाहे तो जिंदा बना रहना। आज तथागत भगवान बुद्ध का यह संदेश आज हम सब लोगों के लिए है, भारत में जितने भी राजा महाराजा हैं सब लोगों के लिए है कि अगर वो चाहें तो मर सकते हैं, वो चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। मैं आह्वान करता हूं, ये जन्म मिला है, कुछ बेहतर करके दिखाइए, कुछ ऐतिहासिक करके दिखाइए, लोगों के काम आकर के दिखाइए, जिससे आप अमर हो जाएं। और मैं आपके बीच आता रहूंगा कुछ अच्छे अच्छे धम्म देशनाओं को लेकर के। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्रमण भारत, जय संविधान।